स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्जाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ BEC 016 इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेरेटिव एनालाइज एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के सॉल्व असाइनमेंट्स, वो भी 22 से 23 के सेशन के लिए। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का 22 से 23 का सेशन है, ये असाइनमेंट्स केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आपको इनका सॉल्व PDF या फिर हैंडल्स के ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट sandwich.com के थ्रू अपने ऑर्डर को ईजिली एड टू कार्ट करके भी प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने असाइनमेंट्स पे और दिखाती हूँ किस तरीके से इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट्स पे। मैं आपको दिखाती हूँ इनके सॉल्यूशंस। फर्स्टली जिसका क्वेश्चन पेपर है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है, तो फर्स्टली आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, ठीक है। एंड डाउनलोड करने का जो मेथड है, वो या तो आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको टॉप पे आपको इसका टाइटल दिख जाएगा, कोर्स कोड दे रखा है, असाइनमेंट कोड दे रखा है, नोट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, यानी कि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स के हमारे असाइनमेंट्स होते हैं। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो कि 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने हैं। सेक्शन जो बी है वो 250 वर्ड्स में, सेक्शन सी 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, इनके आंसर्स वर्ड्स लिमिट को ध्यान देते हुए ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन है, ब्लू पेन से आपका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। सेम राइटिंग का आपको यूज़ करना है, जैसे कि आप अलग अलग राइटिंग से अपने असाइनमेंट्स को बनाती हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम राइटिंग हो, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके सॉल्यूशंस आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड करें, कहीं से भी कॉपी पेस्ट का हमारा मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड, अगर आप हमें ऑर्डर्स देते हैं अपने हैंडल्स की, तो आप हमें गिवन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको एज अ एग्जाम्पल अगर आपको देखना है किस टाइप के हम लोग हैंडल असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने और भी वीडियोज़ अपनी डाल रखी हैं हैंडल्स के ऊपर, तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर, ठीक है, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया हो जाए किस तरीके के हम लोग जो हैंडल्स असाइनमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सेक्शन बी है, जिसकी वर्ड लिमिट देखो आपको 250 वर्ड्स दे रखी है। और क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप पढ़ेंगे, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, एक्सप्लेन इट्स एवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे पहले सोशलिज्म जो है उसको एक्सप्लेन करा गया है।
सो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे भी C016 के जो असाइनमेंट्स है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको इनके एंट्रेंस के ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं तो आप हमें गिवन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू अपने ऑर्डर को ईजिली प्लेस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।